इनके लब रंगी की मिठावर के जिसने। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक भाई का सवाल है, ऑडियो सवाल है, ऑडियो प्ले करने को और नाम लेने को मना किया है इन्होंने। सवाल ये है कि इनके कोई दोस्त हैं या कोई इनके रिश्ते में हैं एक, उनकी शादी लगी हुई थी 10 सालों से अपनी रिलेशन की लड़की से यानी रिश्तेदारों में, और इन्हीं 10 सालों तक वो रिश्ता लगा रहा, और लड़की जो है इनके अलावा भी यानी इनके दोस्त के अलावा भी 2-3 और लड़कों के साथ कनेक्टेड पाई गई है, और इस तरीके की बातें हैं कि वो फ़ोन पे बात वगैरह करती है और 2-3 रिलेशन में और लड़कों के साथ है। अब क्योंकि रिश्ता 10 सालों से लगा हुआ है और रिश्तेदारी में है, तो जो लड़का है वो इनकार करता है शादी करने के लिए और कहता है कि क्योंकि फितरत लड़की की नहीं बदलती, तो अब उसकी ये फितरत हो गई है, मतलब नए नए रिश्ते लड़कों से करना और ये सब बातें, और शादी के बाद भी उसे अब उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो रिश्ता नहीं करना चाहता। लड़की के घर वाले ये सोच के परेशान है कि 10 साल तक रिश्ता लगा रहा और अब जो है सबको मालूम है रिश्ता वहाँ लग चुका था, तो अब अगर शादी नहीं होगी तो उनको इस बात का दुख है। जिन्होंने सवाल किया ये लड़के को समझाते हैं कि अगर लड़की ने अपनी आदत से तौबा कर ली है अपने कामों से और वो कहती है कि अब ऐसा नहीं है तो इनको शादी करनी चाहिए, और लड़के का मामला ये है कि वो कहता है कि मुझे इस पे भरोसा नहीं है क्योंकि इंसान की फितरत बदलती नहीं है, ऐसा इन्होंने सुना है कि औरत की फितरत तब्दील नहीं होती। तो अब ये पूछते हैं कि किसी का घर बस जाए इसके ताल्लुक से कोई जवाब हो कि इनको क्या करना चाहिए। ऑडियो क्योंकि लंबी थी और इन्होंने प्ले करने को मना किया था, इसलिए मैंने सवाल को थोड़ा एक्सप्लेन किया ताकि सूरत हाल समझ में आए। सबसे पहले तो ये कि अगर किसी रिश्ते को लगे हुए 10, 20, 30 साल भी हो जाएं, तो ये लाजिम नहीं होता कि वहीं पर शादी की जाए। बेवजह रिश्ता तोड़कर कहीं और करना भी दुरुस्त नहीं है, मगर ये लाजिम भी नहीं है कि जहाँ रिश्ता हो वहाँ की जाए। अगर लड़के के पास कोई ऐसा शरई उज्र है कि जिसकी बिना पर वो शादी नहीं करना चाहता, तो फिर उसका शादी ना करना बिल्कुल ठीक है, शरीयत में वो इस मसले में गुनाहगार नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि उसका मुतालबा भी बिल्कुल ठीक है, हदीस पाक के अंदर भी खातून से शादी करने का हुक्म है, तो ज़ाहिर है कि नेक परहेजगार ही से हुक्म है। अब क्योंकि उसको ऐसा मामले मालूम है कि उसके 2-3 यानी 10 सालों में और लड़कों से भी अफेयर है और उसकी ये आदत है कि वो अफेयर जो है वो रखती है, तो फिर उसका शादी ना करने वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब रही लड़की के पेरेंट्स की बात के सालों से रिश्ता लगा हुआ है, तो ये बात तो उनको पहले ही सोचनी चाहिए थी कि 10 साल तक रिश्ता कहाँ पर लगा कर रखा जाता है, और क्योंकि अगर लड़की शादी के लायक थी तो जल्दी शादी कर देनी चाहिए। हदीस पाक का खुलासा है, हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर किसी लड़की का बाप यानी किसी औलाद के लिए कि वो शादी के काबिल है और उसका रिश्ता भी आ जाए और उसके बावजूद भी वालिदैन रिश्ता नहीं करते, तो अगर ये गुनाह की तरफ जाएगी तो इसका गुनाह जो है वो वालिद के सर भी होगा। तो जाहिर है कि वो सरपरस्त होता है, अगर शादी के लायक उम्र थी तो 10 साल तक रिश्ता लगा के रखने भी एक ताज्जुब की बात है, तो इस दौरान जाहिर है जब शादी नहीं की तो फिर वो लड़की गलत रास्ते पर गई, तो इसका जो है खामियाजा ना वो वालिदैन को भी भुगतना ही होगा, और इसमें गुनाह में वो बराबर के शरीक हैं। एक तो ये कि तरबियत या निगरानी या जैसा उसका हक था औलाद की परवरिश का, वो इन्होंने सही तरीके से अदा नहीं किया, जिसकी वजह से सारे मामले पेश आए, और अगर रिश्ता इतना वक्त तक लगा तो जल्द निकाह कर देना चाहिए था ताकि इस तरीके की बात सामने ना आए। तो लड़के का इस बिना पर रिश्ते के लिए मना करना कि अब उसका एतबार इस लड़की पे नहीं है, क्योंकि उसने अब कहा कि 2-3 ऐसे मामले पाए गए हैं इन 10 सालों में कि वो इस तरीके की रिलेशन लड़कों से रखती है, तो फिर जाहिर है कि उसकी ये जो है वो आदत बन गई है। बाकी अगर वो करना चाहे शादी लड़का, तो
उसका निकाह करने में भी हर्ज नहीं है, यानी जायज़ कर सकता है, जैसा कि आप कहते हो कि निकाह हो जाए तो अच्छा है। लेकिन फिर बाद में आगे चल के मामले जो हैं वो ख़राब होते हैं, जब एक दूसरे को एक दूसरे पर एतमाद नहीं होता, तो इससे गलत फहमियाँ भी बढ़ती हैं, फिर जो है वो बदगुमानियाँ हद से ज़्यादा बढ़ती हैं, छोटी छोटी चीज़ों में फिर शक होता है और वो पुरानी बातें निकल कर आती हैं जो रिश्ते को ख़राब करती हैं। तो फिर बेहतर यही है कि वालिदैन को भी चाहिए कि अगर लड़का राज़ी नहीं है तो वहाँ रिश्ता ना करें, क्योंकि कल को भी ये रिश्ता बहुत हद तक उम्मीद है कि नहीं पनप पाएगा। दूसरा ये कि लड़का ये कहता है कि वो, यानी दो तीन लड़कों से उसका अफेयर है, अगर उसके पास इस बात की वाकई में कोई ऐसी दलील है या लड़की ख़ुद कबूलती है या इसके पास कोई प्रूफ है जिससे ये साबित हो जाता है कि हाँ ये दो तीन लड़कों के साथ जो है वो अफेयर इसके हैं, तब तो ठीक है, वरना लड़के को केवल शक की बिना पर या किसी वहम की बिना पर या किसी थर्ड पर्सन की बताई हुई बात की बिना पर इस तरह से बदगुमानी करना या किसी पर बहुतान लगाना या इल्ज़ाम लगाना ये जायज़ नहीं है। तो लड़का ख़ुद भी देख ले कि वो किस बुनियाद पर ये बातें लड़की के ताल्लुक़ से कर रहा है कि भाई उसके दो तीन अफेयर है, किसी और ने बताया है, किसी ने ख़बर दी है, किसी फासिक की ख़बर है या इस पर कोई दलील है, या फिर उस बात के लिए लड़की ने एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि अगर मिसाल के तौर पे दे बता रहा हूँ मैं कि फ़ोन अगर किसी का बिज़ी जाता है, हस्बैंड वाइफ के ही मामले आप देखें, अगर फ़ोन हस्बैंड का या वाइफ का काफ़ी बिज़ी जाता है, या जब भी इत्तिफाकन होता है कि हस्बैंड या वाइफ फ़ोन मिलाए फ़ोन बिज़ी जाता है, तो बदगुमानियाँ अक्सर लोग कर लेते हैं कि आप जो है कहीं और बिज़ी थे, तो मतलब कहीं अफेयर था। तो इस तरीके की फ़कत शक की बिना पर कि उसका फ़ोन बिज़ी जाता हो या इस तरीके की बातों की बिना पर ये इल्ज़ाम जायज़ भी नहीं है। और अगर वाकई में लड़की एक्सेप्ट करती है या इस मामले में रंगे हाथों पकड़ी गई है, तो फिर कहा जा सकता है कि हाँ लड़की का मामला आदतन ठीक नहीं है, मगर इसको फितरत नहीं कह सकते कि जैसे लड़के ने कहा कि फितरत कभी नहीं बदलती, लिहाजा ये लड़की नहीं सुधरेगी, एतमाद नहीं है। अब अगर लड़के को एतमाद होता है वाकई में कि लड़की ने तौबा कर ली है, अब वो ऐसा नहीं करेगी, और उसके बाद भी उसने ऐसा मामला करा, लड़के को एतमाद नहीं है, तो ठीक है। लेकिन अगर वाकई में वो सच्चे दिल से तौबा करके निकाह से पहले सुधरना चाहती है, या उसने घर वालों से अपने माफ़ी मांग ली है लड़की ने कि ऐसा आइंदा नहीं होगा, तो फिर अगर निकाह करना चाहे तो हर्ज नहीं है। लेकिन मशवरा यही है कि ऐसे रिश्ते आगे चल के खटास पैदा करते ही करते हैं, क्योंकि शैतान वसवसे डालता है, और हर शख्स इतना सब्र वाला नहीं होता कि वह हर चीज़ को पॉजिटिव ले या सामने वाले के रिएक्शन पर सब्र कर सके या सामने वाले के तानों पर सब्र कर सके। तो फिर इस तरीके की बातें कल को भी होंगी, अगर कहीं लड़की रिश्तेदार में ही अगर कहीं बात उसने करना शुरू कर दी, सहेली से भी करेगी, तो वो फिर शक की दायरे में आ जाएगी। तो अगर ऐसा मामला लड़के को एतमाद नहीं है, तो फिर बेहतर है कि वो निकाह ना करे, और उस पर ये लाजिम भी नहीं है, क्योंकि उसके पास ये उज्र मौजूद है कि लड़की जो है वो किरदार में अच्छी नहीं है, तो वो रिश्ता चाहे तो ख़त्म कर सकता है, इसकी इंशाअल्लाह ताला पकड़ नहीं होगी। बाकी लड़की अगर तौबा करती है, वाकई में बदलती है, सुधरती है और वफादारी का वादा करती है, और उम्मीद भी है कि ऐसा ही करेगी, तो करना चाहे तो कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और सबसे बड़ी गलती वालिदैन की है कि 10 साल तक रिश्ता लगा के रखा, तो लिहाजा अगर अलग अलग भी करेंगे तो भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है, और अगर ये खुद करना चाहें तो दिक्कत नहीं। अब रहा लड़के का ये कहना कि फितरत कभी नहीं बदलती, तो ऐसा नहीं है। अव्वल तो किसी का कोई मामला यानी गुनाह करना या किसी गलत राह पे गलत सोहबत की वजह से चले जाना, उसको फितरत नहीं कहते। दूसरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला के दस्ते कुदरत में होते हैं, दिल किसको कब सच्ची तौबा की अल्लाह ताला तौफीक दे और बंदा जो है वो इसलाह कर ले, सुधर जाए, लेकिन सामने वाला उसको उसी नज़र से यानी गुनाह वाली नज़र से देख रहा होता है, तो ऐसा ठीक नहीं है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पे उम्मीद रखनी चाहिए कि बंदों की सीरतें बदल जाती हैं। अब आपने कहा कि वो कहते हैं कि कोई ऐसा वाक़ नहीं मिलता कि बंदे की जो है फितरत तब्दील हुई हो ऐसा, या लड़की की औरत की फितरत तब्दील हुई हो, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि फितरत ना बदली हो। कुरान पाक के अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी का वाक़ बहुत मशहूर है कि वो ईमान में आई थी, तो उससे पहले वो जो दूसरे मज़हब में थी, तो वो उनकी मज़हब के मुताबिक फितरत थी, अल्लाह ताला ने जब ईमान की दौलत दी तो उनकी फितरत बदली और बाद में वो इस्लाम में आई। इसी तरीके से बहुत सारे आपने सहाबाओं का वाक़ सुना कि वो अपने वालिदैन की दीन पर यानी उन्हीं के मज़हब पर थे, मुब्तला थे गुनाह के कामों में, लेकिन बाद में हुज़ूर अलैहिस्सलाम
उनकी दुआ, उनकी शफ़क़त, उनका करम हुआ कि लोगों की फितरतें बदल गईं। जो सख्त मिजाज थे, उनकी फितरत सख्त मिजाजी थी, उनकी फितरत तब्दील हुई। इसी तरह बहुत सारी ऐसी मिसालें कुरान हदीस में मौजूद हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब चाहे बंदे को जो है वो हिदायत का रास्ता दे सकता है। ऐसे ऐसे भी वाक़े हैं कि बिस्मिल्लाह शरीफ की ताज़ीम करने वाले ऐसे ऐसे शख्स के जो शराब में मुब्तला रहते थे, हमेशा पीने में शराब को, लेकिन बिस्मिल्लाह के पर्चे पर, बिस्मिल्लाह शरीफ देखी कागज़ के पर्चे पर लिखी हुई, उसकी ताज़ीम की और अल्लाह ताला ने उनको वली बना दिया। तो उनकी फितरत भी गुनाह वाली थी, हमेशा शराब पीने की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने जब चाहा तब्दील कर दिया। तो ये कोई दलील नहीं होती कि बंदा अगर कोई गुनाह करता है कि वो मोहर ही लग गई कि क़यामत तक वो ये गुनाह करेगा हमेशा, उसकी फितरत नहीं बदल सकती, ऐसा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला जब चाहे किसी को तौबा की तौफीक दे, लेकिन आदमी बदगुमानी करता रहता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ना करना बेहतर है, अगर मुतमईन दिल नहीं है लड़के का तो ना करे, और करे जब खुद सब्र इख्तियार कर सके कि ये उस पर वाकई सब्र कर पाएगा हमेशा, कल को ऐसी बात नहीं करेगा तो कर ले, अगर रिश्ते ख़राब करने से वरना फ़ायदा नहीं। और बाकी ये कि फितरतें जो है वो अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो गुनाह के रास्ते से बंदे को बचा सकता है। पत्थर में असल